तो देखिए न्यूक्लियर वॉर का फियर भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच अहम खबर ये कि मरियोपोल में एक बिल्डिंग को रूस ने किया है टारगेट और एक मिनट के अंदर अंदर रूसी स्ट्राइक की वजह से ये बिल्डिंग कर दी गई तबाह। रूस की डायरेक्ट स्ट्राइक का वीडियो सामने आया है जो इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं। मरियोपोल को निशाना बनाकर किस तरह से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं रूसी सेना की तरफ से, ये आप देखिए। मरियोपोल में एक बिल्डिंग को रूस ने किया टारगेट और फिर इसे तबाह कर दिया। ये वही मरियोपोल है जिस पर पूरी तरह से कब्जे का दावा रूसी सेना ने किया है। और मरियोपोल में इस तबाही के लिए चेचन फाइटर्स को जिम्मेदार माना जा रहा है। चेचन लड़ाकों ने यूक्रेनी सैनिकों को घेर कर मारी है यहां पर गोली। चेचन लड़ाकों ने डोनबास में यूक्रेनी सैनिकों को दरअसल घेर कर रखा था और ये वीडियो आप देखिए। इस वीडियो में चेचन फाइटर्स से जान बचाकर भागते दिख रहे हैं यूक्रेनी सैनिक। चेचन लड़ाकों ने भाग रहे सभी यूक्रेनी सैनिकों को गोली मार दी है। ताबड़तोड़ फायरिंग करके यूक्रेनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया, उन्हें बचने का कोई मौका नहीं दिया गया। तो मरियोपोल में किस तरह की बर्बरता चेचन फाइटर्स ने की है ये आप देखिए। यूक्रेनी सैनिकों को पहले घेरा गया और फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। एक और बड़ी खबर है, यूक्रेनी सेना ने रूसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है। ज़ापोरिज़्या में K-52 लड़ाकू हेलीकॉप्टर को तबाह किया गया है। यूक्रेन का यह दावा है K-52 रूसी सेना का विध्वंसक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसके बारे में यूक्रेन की ओर से कहा जा रहा है कि हमने उसे बर्बाद कर दिया है। K-52 एंटी टैंक मिसाइल एयर बम लेजर गाइडेड मिसाइल से लैस होता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।